नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं बाहर 24। दोस्तों बहुत सारे स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन जिस लाइन को मैं बोलूंगा मुझे लगता है वो इनको डिस्क्राइब भी करेगी और जो फिल्म है उसको भी डिस्क्राइब करेगी। अब हवाई करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा, और वो दिया अपनी लापता लेडीज के चिरागों से आज जगमगा रहा है, और उस दिए को जिसने उम्मीद की किरण दिया आज वो भी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू, वाह क्या बात है, थैंक यू। मैम सबसे पहले आपसे एक उम्मीद की किरण सब देखते हैं, और वो उम्मीद की किरण जो जिन चिरागों को आपने दिखाई वो आपके साथ मौजूद है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके इन चिरागों का आपके साथ? बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। ये एक्चुअली अभी ऑलरेडी हमारे मिलके 3 साल हो गए, तो हम लोग एक तरह से इसको तो बड़े होते हुए देख ही लिया है, लेकिन हम सब एक परिवार के तरह बड़े हो, मतलब क्लोज़र होते गए और एक तरह से बड़े भी होते गए, क्योंकि ये फिल्म मेकिंग एक ऐसी जर्नी है कि जब आप एक साथ काम करें, आपको बहुत वक्त एक साथ बिताना पड़ता है, तो आप एक दूसरे को फैमिली की तरह मानने ही लग जाते हैं। तो ये मेरे तो बच्चे हो ही गए हैं, लेकिन ये पूरी फिल्म यूनिट हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करके। मैम जब आपने इस प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा था तो आमिर सर ने कहा था किरण राव प्रोडक्शंस इसका नाम रखा जाए, लेकिन किंडलिंग हैज डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब, और मैं आमिर सर से ये कहूँगा कि तालियां होनी चाहिए किंडलिंग के लिए, क्योंकि इतना माइंड ब्लोइंग जो कॉन्सेप्ट है और आपका जो डायरेक्शन है वो लेके आए हैं। वाह थैंक यू। तो आपको लगता है कि ये जो किंडलिंग है माइंड ब्लोइंग स्टोरीज लाती रहेगी? जी जरूर, ये उम्मीद लेके हम आए हैं, क्योंकि किंडलिंग का जो इंग्लिश में मतलब है, ये एक्चुअली दोनों वर्ब और नाउन दोनों होता है, कि वो जो चीज़ें आग को शुरू कर सकती हैं, जो सूखी सूखी चीज़ें हैं जिससे आग अच्छी बने, उसको भी किंडलिंग कहते हैं, और आग को बनाने का एक्शन को भी किंडलिंग करते हैं। तो आइडियाज़ को हम किंडल करना चाहते हैं, हम अच्छी कहानियों को हवा देना चाहते हैं, उनको उड़ाना चाहते हैं। तो कोशिश तो यही रहेगी कि किंडलिंग के थ्रू हम आपके पास, आपके सामने बहुत अच्छी कहानियाँ लाएंगे। मैम आमिर सर इज हैप्पी एज अ पर्सन टू सी योर वर्क रिकॉग्नाइज, बिकॉज या कभी कभी लगता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल, क्योंकि जब घर में इतना टैलेंट होता है तो पर्सनल और प्रोफेशनल कभी मिक्स हो जाता है, ऐसा लगता है कभी? हाँ, हमारा तो पहले से वही है, प्रोफेशनल कहाँ ख़त्म होता है, पर्सनल कहाँ शुरू होता है, वो उसका तो हमने बहुत पहले ही उसका हिसाब रखना ही छोड़ दिया, और वो बाउंड्रीज रहे नहीं एक्चुअली हमारे लाइफ में। अभी ऑलमोस्ट 17 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा ही, 2006। हाँ, तो एक तरह से हमें भी आदत हो गई है कैस कहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें, लेकिन मज़ा इसमें ही है, क्योंकि हम दोनों बहुत क्रिएटिव लोग हैं, और एक तरह से एक दोनों को काफ़ी इंस्पायर करते हैं, अपने आइडियाज़ बांटने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो रिलेशनशिप प्रोफेशनल और पर्सनली रहेगा हमारा, आई डोंट थिंक वो कभी अलग कर पाएंगे हम। स्पर्श, मैं म्यूज़िक के बारे में पढ़ रहा था, तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है ना जिसके स्पर्श से कभी दर्द नहीं होता है, और आपका वही स्पर्श था, दर्द नहीं, एक गुड फीलिंग आ रही थी मूवी को देख के। आपको लगता है कि आपके जो मतलब है स्पर्श, वो दिलों तक हो चुका है? जिस तरह का रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं स्पेशल स्क्रीनिंग्स में भोपाल, दिल्ली, जयपुर, वो वही मैसेज कन्वे हो रहा है कि हम लोगों को स्पर्श कर पा रहे हैं, और एक बेहतर रिस्पॉन्स हम 1 मार्च को देखने को मिलेगा जब फिल्म थिएटर्स में आ जाएगी। एंड आई रियली होप कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये फिल्म लोगों को स्पर्श करे, रियली होप फॉर दैट। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि एक उम्मीद की किरण आपको दिखाई दी, और आपका किरदार का नाम दीपक है, जो दीपक है वो जला है हर किरदार में, आपने जिस भी सीन में आप आए, मुझे वो लग रहा था कि वो लॉ है ना जो, वो जल रही है, और वही उम्मीद की किरण होती है जो मैम ने आपको दी है। तो आपको लग रहा है कि ये जो दीपक नाम है वो भी इतना पॉजिटिव वे में निकल के आया है किरदार के अंदर? इस दीपक की उम्मीद की किरण मैम ही थी, क्योंकि शी एक्चुअली गेव मी अ फ्री स्पेस, उन्होंने कभी रोका नहीं, डिस्कशंस हुए कि हाँ ये वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, बट कभी रोका नहीं, कभी बांधा नहीं, हमें एक खुला मैदान दिया कि जाओ अपना खेल दिखाओ। तो आई थिंक दैट जो वो रिफ्लेक्ट जो स्क्रीन पर हो रहा है ना, इट्स एब्सोल्युटली दैट कोलैबोरेशन व्हाट वी हैड विद मैम, एंड वही निखर के आ रहा है, और वही एज एन एक्टर मुझे बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन किरण राव मैम के साथ और आमिर खान प्रोडक्शन के साथ कभी महसूस ही नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही फ्रीडम मिली है एज एन एक्टर। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन स्क्रीन।
अच्छा, आपका किरदार भी बहुत अमेजिंग था, फूल कुमारी। आपको लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है, हम बता रहे हैं ये जो फूल है ना ये बहुत खिला खिला लगा है, तो आपको लग रहा है कि ये जो खिलावट है फूल की आपके किरदार की, वो किरण मैम है जिन्होंने उसको पौधे में पानी दिया और वो फूल आज खिला हुआ दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अगर ऐसा लोगों को लग रहा है देख के कि फूल खिल रही है, तो मैं तो चाहूँगी कि, मुझे लगता है कि फूल कहीं ना कहीं हर लड़की में है, तो ये जो जर्नी है फूल के खिलने की जर्नी, मैं चाहती हूँ ये सिनेमाज में लोगों तक पहुँचे ऑन 1st of March जब लोग देखें। अच्छा, मैं किरदारों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, और फिल्म के किरदारों में डूब जाने का मतलब होता है कि जिसमें कोई बात होती है ना उसी की बात होती है, और आपके किरदारों में वो बात है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपके किरदारों की। जिया, कितनी जिए हैं आप इस किरदार को, क्योंकि एक स्पेशल किरदार था, शिमला पहाड़ों से आप आती हैं, वहाँ तो हर पल जीते हैं आप पहाड़ों के बीच इतनी खूबसूरती में, लेकिन उसी खूबसूरती से जब आप निकल गए, खूबसूरत किरदार निभाते हैं पर्दे पे, लगता है कि खूबसूरती बरकरार है आज भी इस किरदार में? मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले ना, हमें लाइफ में अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को जीना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लाइफ की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाएंगे। तो मैं तो यही अपने किरदार से सबसे ज़्यादा सीखती हूँ, कैसे मैं अपने आप को एम्पावर कर सकूँ, जो चीज़ मुझे करनी है कैसे मैं उसका स्टैंड ले सकती हूँ। हम सबसे पहले हम अपना स्टैंड खुद ही लेते हैं। अच्छा किरण, हम हमेशा से ना बहुत ध्यान रखते हैं कि हीरो हीरोइन की एंट्री कैसी होनी चाहिए। हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हेलीकॉप्टर से, बाइक से, लेकिन ये जो आपके हीरो हीरोइंस आपके साथ बैठे हैं, उनकी जो एंट्री हुई है ना वो दिल तक हुई है, दिल से हुई है। वाह। आपको लगता है कि जो दिल के दरवाजे से खुली तालियां जो आपको मिल रही हैं स्टैंडिंग ओवेशंस के, तो यही सबसे बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड है, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकता। जब आप एक सीट पर बैठ के विदाउट 2D और 3D इफेक्ट के इमोशनल भी हो जाते हैं, गूज़बम्स भी आते हैं, और वो मुस्कान भी आती है जिसकी ज़रूरत बहुत होती है। वाह, थैंक यू। इससे बड़ी प्रशंसा तो है ही नहीं लाइफ में, और इसी के लिए हम फिल्म बनाते हैं एक्चुअली, लोगों को छूने के लिए फिल्म बनाते हैं, लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ बांटने, कुछ मुद्दे छेड़ने, ये सब करने, चर्चा हो लोगों में, यू नो, बातचीत फिल्म थिएटर से निकलने के बाद आपके साथ रहे, ऐसी उम्मीद होती है हर फिल्म मेकर की। तो जब ऑडियंसेस यू नो हंसते हैं, रोते हैं, ताली बजाते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, लोगों को कहते हैं कि फिल्म अच्छी है, उससे बड़ा अवार्ड मुझे नहीं लगता किसी फिल्म मेकर के लिए है, क्योंकि फिल्में हम, इट्स अ कम्युनिकेशन ना, हमको अपनी बात कहनी है दुनिया से, और जब दुनिया उसको इतनी प्यार से एक्सेप्ट कर रही होती है तो उससे ज़्यादा आप, फिर आपने अपना काम ठीक से किया है। तो उसके लिए मैंने वही कहा कि ना इसको 2D की ज़रूरत है, ना 3D की ज़रूरत है, ना 5D की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे पता है किरण मैम को दो मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, एक है जाने भी दो यारो और मोंटी पायथन। आपको लगता है कि वही थोड़ा थोड़ा वहीं से लेके आपने वही इफेक्ट जो होता है ना कॉमेडी इफेक्ट हम लोगों को देने की कोशिश की है, क्योंकि वो ऐसी मूवीज थी जिसके अंदर कहने को कुछ नहीं लेकिन हंसने को बहुत। जी जी जी, बहुत। हम एक और फिल्म का नाम लेना चाहते हैं, हाल ही में निकली थी, उसका नाम है द क्विज लेडी। क्या हिलेरियस फिल्म है। Correct. और एक्चुअली एंड में जाकर इट्स अबाउट टू सिस्टर्स और उनका रिश्ता, यू नो, दोनों बहुत ही अजीब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, और उनका रिश्ता इतना खूबसूरत और इतना हिलेरियस है, एट द सेम टाइम इतना कॉमेडी है उस, उतनी कॉमेडी है उस फिल्म में, तो वो जब आप कर पाते हैं ना, तो दैट्स अ रियली फॉर मी मैजिक स्वीट स्पॉट, यू नो, जब आप लोग को हंसा भी सकते हैं लेकिन एंड में आंसू आपके निकल ही आएंगे, क्योंकि ये रिश्ता या तो जो भी है सिचुएशन इतना मीठा है। तो वो मुझे उस टाइप की फिल्में अच्छी लगती हैं। लेकिन जाने भी दो यारो क्या फिल्म है, मतलब अपने आप में ऑफकोर्स क्लासिक है, अभी क्या कहें, इवन मोंटी पायथन। तो कॉमेडी के अलग अलग जॉनर्स भी हैं कॉमेडी के अंदर, और पीपली लाइफ भी इतनी फनी थी, हालांकि एक्चुअली कुछ ह्यूमरस लाइन्स नहीं है लेकिन सिचुएशन ही इतना कॉमिक था। तो हाँ, मुझे कॉमेडी तो बहुत पसंद है, इफ़ आई कैन या मेक बेटर कॉमेडीज इवन आई विल कीप मेकिंग देम। मैं धोबी घाट जो आपने बनाई थी, इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ सिटी, और ये इट वाज अ स्टोरी ऑफ रूलर। क्या ये इफेक्ट था 2016 में पानी फाउंडेशन का, जब आप गए थे और आपने देखी थी चीज़ें गांव में, वही इम्पैक्ट रहा और यही चीज़ हमें दिख रही है इस कहानी में?
एक्चुअली मैं जब फिल्म बनाने जब मेरी चाह थी फिल्म बनाने की ये मैंने कॉन्शियसली सोचा तो नहीं था कि मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र की कहानी बताऊंगी गांव की कहानी बताऊंगी. ये इत्तेफाक से आमिर के पास जब स्क्रिप्ट आई और मुझे उन्होंने सुनाया और मुझे अच्छी लगी तब ये सफ़र शुरू हुई. लेकिन पानी फाउंडेशन का बड़ा असर रहा है मेरे जिंदगी. वो 2016 में हुआ या 2018 में हुआ? 2000 आमिर की ये कहानी उनको मिली 2018 में और 16 में हमने एक पानी फाउंडेशन शुरू किया था. तो पर बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ उस पर, बहुत ही गहरा असर पड़ा है. गांव में घूमकर आमिर के साथ हम जब काम देखते हैं, गांव लोग अपना खुद काम करते हैं, हम लोग एक्चुअली सिर्फ एक माध्यम है उनके लिए. तो उनसे बहुत मुझे प्रेरणा मिली है एक्चुअली, हमारे किसान भाइयों बहनों से, गांव में घूमने से काफ़ी प्रेरणा मिली है. अच्छा स्पष्ट, सब कहते हैं ना कि आप फिल्म से कुछ लेके जाते हैं, कुछ यू टेक अवे समथिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं है आप अपनी शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ के जाएंगे, यू विल टेक अवे सम अदर ब्राइड. बट स्टिल जब ये कहानी आपने सुनी आपको लग रहा था कि मजा आने वाला है किसी की बैट को भगाने में? वो तो अलग मजा है, एंड आई थिंक आई वुड लव टू ट्राई इट इफ आई एवर गेट मैरिड. पर सर सबसे पहले ना मैंने एक ऑडिशन जब दिया था इस फिल्म का तब वो चार पन्ने आए थे जिन पर दो सीन्स लिखे हुए थे और सिर्फ वो पढ़े थे मैंने, और वही पढ़ के इतना मज़ा आ गया था और ये बिलीव हो गया था कि यार ये अगर चार पन्नों पे इतना सुंदर लिखा गया है तो पूरी स्क्रिप्ट कितनी सुंदर होगी. और मुझे इसका पार्ट बनना ही था बिकॉज समवेयर आई न्यू कि इट विल चेंज मी एज एन एक्टर फॉर श्योर, इट विल गिव मी, इट विल मेरी क्राफ्ट को और बेहतर बना देगा. पर मुझे ये भी लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मुझे बेहतर इंसान भी शायद बना देगा. तो आई हैव रियली टेकन अवे दैट फीलिंग ऑफ बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन थ्रू दिस फिल्म. किरण मैम मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने इनको प्रिपेयर किया और जिस तरीके से मैं इंटरव्यू करके सवालों के जवाब दे रहे हैं वही मेरे को लगता है कि एक लाइन फिट बैठती है, वही हकदारे किनारों के जो बदलते भावधारों के. और वो वाह, बदलते भावधारों के, और ये वही किनारे जिन्होंने भाव बदले और वो दिखाई दे रहे हैं आपसे, क्योंकि नोएडा की आप हैं और भोजपुरी प्लस हिंदी हमने बोलते हुए देखा है इस मूवी के अंदर. सबसे ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि डायलेक्ट बहुत आसान नहीं होता अपनाना क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर पे बोलते हैं, बट किसी भी किरदार के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन आपने इसके लिए रोटियां बेली. अब तो इस कैरेक्टर के ऑब्वियसली हम तीनों का ही अपना अपना प्रोसेस था, और मैंने जो फूल के लिए प्रेप करी मैंने ऑडिशन में ही सर मैंने बहुत प्रेप करी थी. जब मुझे सीन्स मिले थे ना तो मुझे तो पता नहीं था कि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है या किरण मैम से डायरेक्ट कर रही हैं. मुझे वो तीन सीन्स मिले और मुझे किसी भी तरह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था. तो उसी सेम रात मैं 2-3 घंटे सोई हूँ सिर्फ, और मैंने सुई धागा देखी, बालिका मधु देखी, बहुत सारे भोजपुरी वुमेन के वीडियोज़ देखे, उनके रैंडमली चलने के बोलने के, क्योंकि मुझे किसी भी तरह फूल की बॉडी लैंग्वेज, जिन वुमेन की हम कहानियाँ बता रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर पकड़नी थी, और थोड़ा थोड़ा उनका डायलॉग कि वो कैसे बोलते हैं, कह बोलते हैं, हम कह बोल रहे हैं इस फिल्म में, घर को घर बोल रहे हैं इस फिल्म में. तो वो ऑडिशन से ही मैंने प्रेप किया था, एंड सेम अगली सुबह मैंने ऑडिशन बना के भेजे, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन थे तो हमने 3 वीडियो बना के भेजे, 2-2 मिनट के लंबे लंबे, एंड यूट्यूब अनलिस्टेड वीडियोज़ में मैंने सेंड कर दिया. उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने वीडियो सेंड कर दी तो मुझे मेरी होप्स बहुत जागने लगी, तो मैं उसमें व्यूज़ चेक कर रही थी बार बार कि 4 व्यू मेरे हैं, 5 व्यू मेरा है, 6th, 5th व्यू मेरा मेरा नहीं था, वो सामने से आया, तो मुझे पता लग गया कि मैम ने किसी ने तो देखा है. एंड उसके बाद 2-3 घंटे में ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि किरण मैम लाइक द ऑडिशन एंड आमिर सर वॉन्ट्स टू मीट यू, और उसके बाद की तो अलग ही कहानी है. तो ऑडिशन में मैंने ये प्रेप किया, फिर जब हम तीनों को अपने रोल्स मिले तो हमारी डायलॉग कोचिंग तो थी, तो आई थिंक 1-1.5 महीने के लिए हमने वो कोचिंग करी, इसलिए ताकि हम लाइंस के साथ इतना गो थ्रू कर जाएं ताकि जब सेट पे जाएं तो हमें सोचना ही ना पड़े कि ये हमारी लाइन है या हमें ऐसे बोलना है, वो फ्लो फ्लो में आए. और उसके साथ मैंने रोटियां बेली भी सीखी थी जी. क्योंकि फूल की ये कला है कि वो बहुत जल्दी जल्दी गोल गोल रोटियां बना लेती है, ये कला मुझ में नहीं थी सर. मैंने अपनी नानी के घर पर जब रोटियां बनाई थी मेरी पहली जल गई थी, दूसरी इंडिया का मैप थी, तीसरी में छेद हो गया था, तो धीरे धीरे करके फिर वो कला करी. और उसके अलावा एक तो डायलेक्ट, एक रोटियां, मैंने साड़ी पहननी भी हल्की हल्की सीखी थी क्योंकि इसमें हम घूंघट हर वक्त ओढ़ के रखते हैं और वो हमारा सेकंड बिहेवियर बन जाता है. तो जब नई नई साड़ी में थी तो यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इधर से घूंघट आ नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में ला के वैसे लाई. एंड फूल की ना एक और चीज़ थी,
फूल की फिल्म में डायलॉग्स बहुत कम है, वो बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके लिए सब कुछ है। तो सर उस पर मैंने बहुत काम किया था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगे कि वो क्या कहना चाह रही है, उसको डर लग रहा है या वो शर्मा रही है या उसको घबराहट हो रही है या उसको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी आँखों से पता लगना चाहिए। तो वैसे मैंने देखिए मैं एक चीज़ जो मुझे याद है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज देखता हूँ, शाहरुख सर के भी देखता हूँ, कभी कभी जो कुछ नहीं करते ना वो कमाल करते हैं, और आपके किरदार ने वो कमाल किया है। आपसे आखिरी दो सवाल, क्योंकि और भी लोग अपना कंपटीशन आप खुद होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कंपटीशन कौन रहा, क्योंकि आप सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अपने खुद हैं, अपने आप से क्या जद्दोजहद रही, अपने आप से कौन सी फाइट रही, अपने आप से कौन सी ऐसी बातें रही जिससे आपने खुद फाइट की इस किरदार के लिए? जैसे इन लोगों ने अभी कहा जब हमें ऑडिशन के वो सीन्स मिले थे, जब मैं वो ऑडिशन के सीन मेरे तक मुझ तक पहुँचे और मैं उन्हें पढ़ रही थी, मुझे वो पढ़ते पढ़ते एक विजुअल मेरी आंखों के सामने क्रिएट हो रहा था और मैं उस विजुअल का पार्ट अपने आप को देख पा रही थी कि मुझे उस विजुअल का पार्ट होना है। और फिर जब मुझे सेलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद मेरी भी एक प्रिपरेशन रही है, जो मेरा कैरेक्टर है वो काफ़ी डायरेक्ट नहीं है, वो सोचती कुछ और है, वो बोलती कुछ और है और वो कर कुछ और रही है, और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे जो मन में आता है मैं वो बोल देती हूँ। तो उसका वो बिहेवियर समझना, और वो एक ऐसे सराउंडिंग में आ गई है जहाँ पे वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्ट रहती है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें भी कर रही है जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो वो कैसे उन चीज़ों को प्लान कर रही है, प्लॉट कर रही है, आई थिंक वो सारी चीज़ें भी मुझे काफ़ी अपनानी पड़ी थी। देखिए खुला आसमान है और उड़ने को बहुत दिया है किरण मैम ने, और वो जो कहते हैं ना खुले आसमान में परिंदा बहुत आसानी से खुले आसमान में उड़ता है, वो किरदारों में है आपके। किरण मैम आखिरी सवाल, क्योंकि हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स, इंडियन फिल्म, इंडियन सिनेमा, मैंने कल भी आपसे पूछा था लेकिन फिर दोबारा, क्योंकि मैं पूछे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि अभी अगले साल ऑस्कर्स हैं और हम बहुत कम फिल्में देखते हैं और ओरिजिनल जो कंटेंट लेके आते हैं। स्लम डॉग मिलीनियर थी, बिल्कुल एकदम वैसा कॉन्सेप्ट था जो ग्राउंड रूटेड था, आपका भी वही है, वही भाषा है, वही मिट्टी की खुशबू, वही किरदार जो महक रहे हैं उस मिट्टी में, तो आपको लग रहा है कि यस, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस सबमिशंस फॉर द ऑस्कर्स? देखिए हम अभी पहले तो हमारी पूरी तैयारी इंडियन बॉक्स ऑफिस, वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस के लिए है, तो पहली मार्च तक ही हम सोच पा रहे हैं। अब देखते हैं लोगों को कैसी लगती है फिल्म, उम्मीद तो ये है कि लोगों को पसंद आएगी, फिल्म हिट हो जाएगी, तो फिर यू नो फिल्म अपनी ही एक तरह से उनकी अपनी जर्नी फिल्म बना लेती है। ऑस्कर्स की बात करें तो उसका कुछ और ही आई थिंक सिस्टम है, हम लोग शायद अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक कमिटी बनाई जाती है, आई थिंक INB मिनिस्ट्री बनाती है या कोई तो बनाता है, और उन लोग उस साल के सारी अच्छी फिल्में एक तरह से टटोलते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंडिया की सबमिशन होनी चाहिए। आपके पूरे भारत की कितनी फिल्में बनती हैं उसके उसमें से आप चुने जाएँ तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो इसमें ही आप खुद जीत जाते हैं अगर आप इंडिया में से चुने गए, क्योंकि इतनी फिल्में बनती हैं यहाँ और इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं। तो फिर जब अगर इन यू नो हमारे जो भी ऑस्कर कमिटी है अगर वो चुने और अगर हम चुने जाएं, तो फिर हम जाकर फिर लॉबी करनी पड़ती है, काफ़ी स्क्रीनिंग्स करने पड़ते हैं, आपका एक पूरा बाकायदा कैंपेन रहता है ऑस्कर का, वो करेंगे अगर ये नौबत आई कि अब हम चुने गए और हमको यू नो हम भेजे गए, तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़रूर, पर पहले हमको हमें लगता है कि ऑस्कर से पहले हमको बॉक्स ऑफिस का अवार्ड तो चाहिए, कि छोटी सी फिल्म हमारी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों की, क्योंकि ये बनाया है हमने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, एक्चुअली बहुत गर्व से और प्यार से हम लोगों तक ला रहे हैं, तो होपफुली यहाँ पहले बॉक्स ऑफिस में मैजिक करेगी ये फिल्म। थैंक यू एवरी वन टॉकिंग टू अस। और देखिए अभी हम फिल्म की कहानी नहीं बता सकते क्योंकि फिल्म आपको देखनी है, लेकिन अगर आप सिनेमा में जाएंगे इस फिल्म को देखेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर मुस्कुराते हुए इंसान की जरूरत जेब पटोलना, क्या पता उसमें रखा हुआ रुमाल गीला मिले, और वही इस फिल्म का मुझे लगता है मैम जेस्ट है। थैंक यू। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।